मंदसौर जिले के गरोट में विधायक ने किया तूफानी दौरा, कोरोना टीकाकरण, बुजुर्गों एवं महिलाओं का विधायक ने किया सम्मान। गरोट रेलवे स्टेशन पर रेलवे आरक्षण बुकिंग काउंटर का किया शुभारंभ। गरोट रेलवे स्टेशन वासियों ने स्कूल, पेयजल व सड़क की समस्याओं से कराया विधायक को अवगत। प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की जागरूकता को लेकर भाजपा संगठन द्वारा शासकीय अस्पताल में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत टीका लगाने वाले बुजुर्ग महिलाओं पुरुषों को विधायक देवीलाल धाकड़ ने गुलाल का टीका लगाकर स्वागत किया है और आमजनों से कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में सहभागिता निभाने का आह्वान भी किया है। इस अवसर पर भाजपा वरिष्ठ नेता राजेंद्र जैन, राजेश सेठिया, राजेश चौधरी, उमराव सिंह चौहान, विनोद ग्वाला, दीपक मानलिया, अशोक पहलवान, रविंद्र पुरी, महेश साकला आदि उपस्थित रहे। इसके पश्चात विधायक देवीलाल धाकड़ ने गरोट रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर रेल संघर्ष समिति के सदस्य राहुल हरसोला, रविन्द्र पाटीदार, उमंग जैन, संजय सोनी, पवन पटेल, सत्यनारायण दानगढ़, सुरेश शर्मा, हेमंत पाटीदार आदि व विधायक देवीलाल धाकड़ ने रेलवे स्टेशन अधीक्षक का साफा बांधकर पुष्पहारों से स्वागत किया। मौके पर उपस्थित गरोट रेलवे स्टेशन ग्रामीणों ने पेयजल, स्कूल की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि कुएं में मोटर बंद पड़ी हुई है, जिससे परेशानियां आ रही हैं। साथ ही स्कूल भी बंद करवाने में शिक्षक गिरजेश शर्मा की भूमिका की भी जांच की मांग इस दौरान रेलवे स्टेशन ग्रामीणों ने की। विधायक देवीलाल धाकड़ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीएचई के दिनेश पांडे से मोबाइल पर निर्देश दिए। साथ ही शिक्षक गिरजेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का भी आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। गरोट संवाददाता जीवन साकला की रिपोर्ट।